जय हिंद बच्चों। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो NMMS एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास नाइन्थ के लिए, साथ ही साथ सैनिक स्कूल और जो अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में खुले हैं उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी बच्चों महत्वपूर्ण है। तो पूरे वीडियो को बच्चों पहले जब प्रश्न आए तो आप ये आपके सामने जो प्रश्न है इसको सबसे पहले आप पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद खुद से प्रयास कीजिए, ना आए तब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, रटना नहीं है, आपको समझने का प्रयास करना है। जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसके जरिए आप बच्चों फ्री तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैं वीडियोज़ में बताता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ बच्चों, और आपके उत्थान के लिए जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री कोचिंग देने के लिए वीडियोस बच्चों बना रहा हूं। और तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। और साथ ही साथ कई बच्चे जो पहली बार देखते हैं तो बोलते हैं सर हमारा इस टॉपिक पे चाहिए, तो प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है, आपकी मैट मानसिक योग्यता की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने देख लिए तो 90 में से आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए, आप आसानी से, कई बच्चों ने वीडियोज़ देख के ही केवल तैयारी कर ली है। साथ ही साथ गणित के मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, साइंस विज्ञान की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, SST सामाजिक अध्ययन की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उनको जाकर बच्चों प्लेलिस्ट से अवश्य देखिए। कई बच्चे केवल नए वीडियोस देख रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा पुराने वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सवाल उसी से आना है, तो पुराने वीडियोज़ को जाकर जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो संख्याओं 8, 9, 10 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो देखिए, हमें छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जाननी है। पूर्ण वर्ग उसको कहते हैं, जैसे कि आपका इसको समझिए, कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे, 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है। 5 को 5 से गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब होता है अगर 2 बार है तो 2 बार उस संख्या को खुद से गुणा करना। तो वो छोटी कौन सी संख्या है जो कि जैसे ये 25 है, 8 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए, 10 से भी हो जाए, खैर ये तीनों से नहीं हो रही है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ वो संख्या कौन सी हो सकती है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों देखिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भी आते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए बड़ी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, जो संख्याएँ हम ले लें, जो संख्या दी गई हैं 8, 9 और 10, ये 3 संख्याएँ थी, तो 3 संख्याओं का हमें क्या लेना है, लसा निकालना होगा, ठीक है। तो हम लसा निकालें, ये जितनी बार हम कटे 2 4 8, 2 9 और 2 5 10, फिर से हम 2 से काटें, 2 2 4, फिर ये 9, ये 5, फिर से 3 से पुनः, यहाँ 3 से 9 कटेगा, 2 तो कटेगा नहीं, 3 3 9, फिर ये 5, ऐसे ही रहेगी। अब देखिए सभी जो हैं आपकी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएँ आ गई। अब इन संख्याओं को हम क्या करते हैं कि आपस में गुणा कर देते हैं, 2 2 4, अब ये देखिए 5 2 10, ये 30 यहाँ हो गया, ठीक है। जल्दीबाजी में ऐसे ही करना है, 2 2 8 4, 4 3 12, ठीक है, 12 12 को 3 से गुणा करें, 3 2 6, ये 360 आपका आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो लसा है वो है आपका है 360 आ गया इन संख्याओं का, ठीक है। तो अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कि लसा तो भाई 360 आ गया, तो इसमें क्वेश्चन जो है, अब तीनों संख्याओं का देखिए लसा हमारा आ गया 360, ये हमें पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कौन सी संख्या आपको इसमें दिख रही है जो कि इसकी उसका मल्टीपल हो, ठीक है, गुणनखंड हो, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 3600 है, यानी कि इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी, बाकी कोई भी संख्या यहाँ प्राप्त नहीं हो रही, इसके गुणज में नहीं, इसके मल्टीपल में नहीं है। आप चाहें 8 से भाग दीजिए 3600 को, चाहे आप 8 से भाग दीजिए, चाहे 9 से भाग दीजिए, चाहे 10 से भाग दीजिए, ये तीनों से ही कट जाएगा, और ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और इसके दूसरे नंबर की पूर्ण संख्या 2 से गुणा कर दीजिए, तीसरे नंबर की पूर्ण संख्या 3 से गुणा कीजिए, तो प्रश्न ऐसे बदल के भी परीक्षा में बच्चों आ सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट आप अगर आप समझ के चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 162 है आपके सामने, इसमें हमें क्या निकालना है, इसका घन घन निकालना है, ठीक है। तो घन निकालने के लिए तो यहाँ पर हम चीज़ों को समझ लेते हैं। अब देखिए 24 का यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है,
ठीक है, तो 24 को अगर हम 24 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बच्चों ये आपका 576। पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा फिर कीजिएगा। और 7 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 576 + 49, ये वर्गमूल में। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं, ये 25 आ जाएगा, 625। अब ये वर्गमूल में, अब ये देखिए आपको पता है कि 625 का वर्गमूल अगर निकाला जाए, मतलब 25 को 25 से हम गुणा करते हैं तो 625 आता है। तो 625 को वर्गमूल ऐसे मैंने निकालना सिखाया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट से बच्चों जाकर देखना होगा। अब ये देखिए जोड़ा बन गया, तो हम एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करा ये, अब देखिए अंदर का हमें ये पूरा फिगर जो वर्गमूल में था वो उत्तर आ गया 25। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। मतलब कि 25 को खुद से 3 बार हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 15625। ठीक है, अब देखिए कई बच्चों को गणित काफ़ी कठिन लग रही होगी, तो इसमें आप ध्यान दीजिए बच्चों कि जो भी आगे चल के आप परीक्षा देंगे। अभी देखिए यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, उसमें काफ़ी सवाल इसी के आए थे, NMMS के आए थे। कोई भी आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो गणित बच्चों हमेशा आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनता है, तो डरिए नहीं, उसको सीखने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए आपका उत्तर जो आ गया ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बच्चों जो है वो सही है। ठीक है, तो चीज़ों को समझ के अच्छे से नोट जरूर कॉपी में कीजिए, ये नहीं कि बाद में देखेंगे स्क्रीनशॉट खींच लें, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और खुद से नोट करने के बाद खुद से एक बार प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रैखिक समीकरण। अब ये देखिए समीकरण दिया हुआ है, इस तरह के प्रश्न मैंने काफ़ी बताए हुए हैं बच्चों कि कैसे इसे हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो संख्याएं दी गई हैं इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। ठीक है, अब इन दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉसा आएगा इन दोनों का 20 आएगा, तो भाई 20 कर लें। ठीक है, अब इसको 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8x - 12। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दें। ठीक है, इसके बाद है इसको आप 5 से गुणा करें, 5x + 15, यही हुआ आपका। और बगल वाला तो भाई ऐसे ही है, इसको आप देखिए परीक्षा के दौरान इसको मत लिखिए, केवल ये वाले पार्ट को पहले हल करके निकालिएगा, क्योंकि रफ में आपको ये सब कार्य करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 8 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 13x। 15 में से 12 घटा दीजिए, +3/20 बराबर 2x + 3/4। अब देखिए नीचे वाली संख्या कट रही है तो हम काट दें, 4 1 = 4, 4 5 = 0। ठीक है, अब ये 5 को इससे हमें गुणा करना है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें ताकि आपको यहीं पे हल में कर सकूं। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लें ऐसे, 13x + 3 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत 5 उधर ऊपर जाके गुणा करेगा, 5 2 = 10x + 15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 10x को इधर ले आते हैं और संख्या को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 13x - 10x = 15 - 3। कोई भी संख्या उधर जाती है तो माइनस में बदल जाती है, बेसिक वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। 13 में से 10 घटा दिए, 3x, ये 12, और x बराबर, क्योंकि x ही हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, तो 12/3, ये आ गया आपका 4, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब आइए ऑप्शन में आते हैं कि हल क्या है। ठीक है, तो एक्स बराबर देखिए 4, ये चौथा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को देखिए समझ के अगर आप हल करेंगे तो कुछ सेकंड्स में ही, मतलब 1 मिनट के अंदर ये सवाल आपका हल हो जाने वाला है। तो आप इसको समझ के कीजिएगा, और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों देखिए पहले से, अगर मैं वीडियोस बनाए रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ वीडियोस ना बनाना पड़े, और आप उसको जाकर देखें। कई बच्चे कहेंगे कि सर कुछ और बताइए, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट जाकर बच्चों ज़रूर देखनी होगी। अब इस तरह के देखिए सवाल 2021 के पेपर में मैंने बताए हुए हैं, इसके शॉर्टकट वाला भी बताया हुआ है, तो आपको उसको जाकर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आपको करना क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ फिर से,
एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया है, ठीक है, बराबर तीन, ठीक है, बराबर तीन। अब दोनों तरफ मैं ले लेता हूँ वर्ग, ठीक है। अब आपको ये तो भाई फॉर्मूला पता ही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यही चीज़ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक का वर्ग तो देखिए इसी फॉर्मूला के तहत लगा रहा हूँ, एक का तो वही होगा, एक ही होगा, माइनस टू एक्स इंटू वन बाई एक्स बराबर नौ। एक्स से एक्स कट गया, बचा दो, दो को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्स के घात 4 प्लस वन बाई एक्स के घात 4, ठीक है। तो पुनः हम इसका वर्ग करेंगे, पुनः दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। तो ये वैसे ही हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए जैसे यहाँ एक्स एक्स कटा 6 मैं लिख दूँ। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता ही है प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही तो होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, टू ए बी, और 11 क्या इतना होगा, 121 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट गया, दो उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, आपका इसको स्क्वायर हमने किया तो ये, सॉरी ये वाला लिख लो, ये तो एक्स के घात 4 हो जाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हमें करना था। तो एक्स के घात 4 प्लस वन बाई एक्स के घात 4 बराबर 119, यही तो हमें लाना था, यही हमें निकालना था, एक्स के घात 4 प्लस, यहाँ मैं स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई था ना, तो ए स्क्वायर करना था। अगर एक्स ये पहले से दिया हुआ, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो एक्स के घात 4 आता है, ठीक है। और वैसे ही अगर ये चीज़ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर का 1 होगा, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर का कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर देखिए आपके सामने ये आ गया है, ये कितना है, 119 आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है बच्चों, ठीक है। तो चीज़ों को बच्चों ऐसे समझ के आप चलिए, तो आपको आसानी से सभी प्रश्न जो हैं हल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि किस तरह से समीकरण जो हमें याद है आपको, ए प्लस बी वाले, ए माइनस बी वाले, उसको कैसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 165 है नेक्स्ट आपके सामने, इसमें हमें मान निकालना है फिर से, ठीक है। तो हम फिर से देखिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो इसको थोड़ा ईजी कर लें, 4m² तब आपको दिखेगा। हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें बाहर की तरफ, माइनस, अब देखिए जितने भी ब्रैकेट में मैं ले रहा हूँ सबको माइनस वन, मतलब एक तरह से मैं माइनस वन कॉमन बाहर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको पता चल रहा होगा ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, हमारा ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी तो जस्ट मैंने बताया, ध्यान होगा यही सेम चीज़ आता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4m² माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपको इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये फॉर्मूला बाद में आएगा, ये प्लस से, यहाँ सेम चीज़ लिखना है हमें, ए प्लस बी, ये जो इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी मैं केवल ऊपर का हल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को मैंने अभी छुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं, यही फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा हूँ, ए प्लस बी, ये देखिए ए है और ये यहाँ पर बी है, ठीक है। फोर एम स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ दीजिएगा, 4m² को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए, 2m का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अगर इसको गुणा करेंगे 2 का वर्ग 4 और m² m, ठीक है। तो मैं इसी रूप में लिखने जा रहा हूँ, 2m का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इजली हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला मैं मिटा दूँ ताकि मैं लिख सकूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2m प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी वाले का बारी है। ठीक है, 2m माइनस ए प्लस बी। ठीक है, एक बार माइनस से ये प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया। अब देखिए बटा वाला डाल रहा हूँ, 2m प्लस ए माइनस बी। अब देखिए इसकी तरह कोई दिख रहा है आपको ऊपर? हाँ भाई, ये वाला दिख रहा है। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और आंसर आपके सामने आ गया, 2m माइनस ए प्लस बी। तो ये किस ऑप्शन में है आपके? देखिए ये ऑप्शन नंबर आपके 1 में है, 2m माइनस ए प्लस बी। ये थोड़ा सा टफ लगेगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बस फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया है वो फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखिएगा, यही आपको लगाना है और इससे इजी हो जाएगा। हमेशा उस तरह से ना लाने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम इस तरह से लाएं तो ये हमें लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर केवल m जो है स्क्वायर फॉर्म में था, 2 नहीं, 4 नहीं था, तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर इसे बदला था कि ये दोनों को मैं होल स्क्वायर में ले आऊँ ताकि वो ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको समझ के प्रश्नों को चलना है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 166। यदि समबहुभुज के बाह कोण की माप 12 डिग्री हो तब इसकी भुजाओं की संख्या है। काफ़ी बार प्रश्न आए हैं, उल्टे भी आए हैं कि अगर भुजाएं इतनी हैं तो इसके बाह कोण का माप कितना होगा। ठीक है, और ये सवाल मैंने बताए हुए हैं, तो भुजाओं की संख्या, ये इसमें क्या होगा, भुजाओं की संख्या जो है उसका फॉर्मूला होता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, 360 डिग्री आपको पता है, पूरे 360 डिग्री होते हैं, बटे बाह कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो यहाँ एंगल जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, 12 से हम भाग कर दें तो ये आपका कितना जाएगा, 30। तो 30 भुजाएं कुल होंगी। तो ऐसे ही कोई भी एंगल यहाँ दे सकता है, 60 दे देगा तो कितना हो जाएगा, 60 से काट दीजिए, 6 भुजाओं वाला हो जाएगा, यानी कि वो आपका हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सवाल आपको बदल के आ सकता है। ठीक है, और आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा जरूर बताइएगा, कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन 167 आपके सामने है। ठीक है, 167 का आंसर बताइए, इसमें 45, 50, 80 और 100 में से कौन सा है। 168, अगर ये आपको प्रश्न जानने हों इसको कैसे किया जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर प्रश्न नंबर 168, 169, 167 ऊपर का बीता है, 170 हमें बता दीजिए, 171 बता दीजिए, तो मैं सभी प्रश्नों को बच्चों विधिवत एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सब भी देखिए प्रश्न आए हुए हैं और आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों है क्वेश्चंस। ठीक है, फिर से देखिए समीकरण का आ गया, तो इस तरह से आप बच्चों प्रश्नों को आप हल करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।